सद्गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। सद्गुरु, मेरा एक प्रश्न है। मूर्खों के संग रहने से उत्तम पुरुषों और पवित्र आत्मा वालों को भी महान कष्ट और कलेश की प्राप्ति होती है। गुरुदेव, कौन से कर्म करने से मनुष्य को सत्पुरुषों की संगति, परम ब्रह्म की प्राप्ति और अंत में मोक्ष मिलता है, बताने की कृपा करें। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे आदि पुरुष परमेश्वर, तू सदा सदा सच है। मनुष्य की वाणी तेरी स्तुति नहीं कर सकती, असमर्थ है। ऋषि मुनि देवगण रात दिन तेरी उपासना करते रहते हैं। वे अपनी आत्मा के प्रकाश में तुझ महान अनादि देव की आराधना में लगे रहते हैं। ऐसी ही सामर्थ, ऐसी ही शक्ति, हे प्रभु, हे परम ब्रह्म, तू हमें प्रदान कर। सुषमा जी, सबसे पहले अपनी श्रद्धा में आपके प्रति अर्पित करता हूँ। आप धन्य हैं जो इस मार्ग में आप आए हैं। बहुत विशाल आपका हृदय है। आपने पूछा है, मूर्खों के संग रहने से उत्तम पुरुष भी कष्ट और कलेश पाते रहते हैं, कौन से ऐसे कर्म हैं जो हमें आगे भी सत्पुरुषों महर्षियों की संगति प्राप्त हो। बहुत अच्छा प्रश्न है। बड़े पुण्य करने से सतगुरु का दरस, सतगुरु के चरणों की शरण प्राप्त होती है। सत्पुरुषों का संग किसी को ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाता। और उसके बाद भी जब मनुष्य की अपनी बुद्धि पवित्र हो, तब ही वो ऋषि मुनियों महर्षियों सत्पुरुषों से लाभान्वित हो सकते हैं। हम गंगा के किनारे खड़े हैं, पात्र हमारा अशुद्ध है, दूषित है, गंदगी से सना है, तो उसमें डाला हुआ गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। अतः पहले हमें अपने को ही पात्र बनाना चाहिए, सुपात्र बनाना चाहिए। अपने में योग्यता हमें पैदा करनी चाहिए कि हम इन महापुरुषों के भीतर से निकलने वाली ईश्वरीय किरणों को अपनी आत्मा में ग्रहण कर सकें। मूर्ख शिष्योपदेशेन, दुष्ट स्त्री भरणेन च, दुखितः संप्रयोगेण पंडितो अप्यवसीदति। मूर्ख और धूर्त शिष्य को उपदेश करने से महान गुरु, चाहे वो शिव जैसे हों या ब्रह्मा जैसे हों, उनको भी कष्ट उठाने पड़ते हैं। दुष्ट और चरित्रहीन स्त्री का यानी पत्नी का भरण पोषण करने वाले पति को रात दिन कलेश उठाना पड़ता है। और मूर्खों की संगति में, दुष्ट जनों के संग में, दुखी लोगों के संग निवास करने से बुद्धिमान मनुष्यों को भी महान कलेश और दुख की प्राप्ति होती है। श्रुत्वा धर्मम विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मति, श्रुत्वा ज्ञानम वापनोति श्रुत्वा मोक्षम वापनुयात। धर्म वचन सुनने से, गुरु के मुख से ईश्वरीय ज्ञान को सुनने से
ब्रह्म ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान का उदय होता है। वेद आदि के महान मंत्रों को और उनके अर्थ का मनन चिंतन करने से मनुष्य की दुर्मति दुर्बुद्धि नष्ट होती है। ज्ञान को सुनकर ही मनुष्य अपना आंकलन कर सकता है। सत्पुरुषों के धर्म वचन सुनकर ही उस पर आचरण करने से जीवों को मोक्ष और सदगति की प्राप्ति होती है। यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतम कर्म कर्तारमनु गच्छति। हजारों गौओं के बीच से होता हुआ बछड़ा जैसे अपनी माता को ढूंढकर उसके निकट चला जाता है, ऐसे ही मनुष्य का किया हुआ कर्म, चाहे वो सत्कर्म हो या दुष्कर्म, उस मनुष्य को ढूंढता हुआ उसका फल प्रदान करने के लिए अपने कर्ता के निकट चला जाता है। अतः सोच समझ के हमें कार्य करना चाहिए। कर्मों का बीज है चिंतन। हमारा चिंतन पवित्र होगा तो हमारी वाणी भी पवित्र होगी, हितकारक होगी, और हमारा कर्म भी पवित्र होगा, उच्च होगा। पठन्ति चतुरो वेदान धर्म शास्त्राण्यनेकश आत्मानम नैव जानन्ति दर्वी पाकरसम यथा। चारों वेदों को कोई पढ़ ले, धर्मशास्त्र का कोई अध्ययन करे और इन शास्त्रों को पढ़ने के पश्चात भी कोई उस परम ब्रह्म की आराधना ना करे, अपनी आत्मा के तत्व को जानने की कोशिश ना करे, तो वो व्यर्थ और मूर्खता में उसका जीवन चला जाता है। वह मनुष्य ऐसा ही होता है जैसे दाल में घूमता हुआ रमचा, वो उसके स्वाद को नहीं जानता, इसमें नमक कितनी है, इसमें मिर्च कितनी है। ऐसे ही जो आत्मा का अनुसंधान नहीं करता, परम ब्रह्म की आराधना नहीं करता, अपने आचरण को शुद्ध नहीं रखता, ऐसा शिष्य गुरु के निकट रहता हुआ भी, धर्म वचनों को सुनता हुआ भी वास्तविक ज्ञान और आत्मिक शांति को प्राप्त नहीं होता। उस परम ब्रह्म के मृदु स्वाद का उसको पता ही नहीं चलता। जैसे रमचा, पीतल का रमचा रोज कभी खीर में घूमता है, कभी दाल में घूमता है, कभी सब्जियों में घूमता है, पर उसके स्वाद को नहीं जानता। मनुष्य को ऐसा नहीं होना चाहिए। संसार ताप दग्धानां विश्रांति हेतवः सतां सर्वपुरुषाणां संगति रेवच। संसार के ताप से संतापित लोगों को सत्पुरुषों की संगति में ही सच्चा विश्राम मिलता है, यदि वे उस ज्ञान का अनुसरण करते हैं। यदि उन्होंने अपने हृदय की खिड़की को ज्ञान की तरफ को खोला हुआ है और सूर्य चमक रहा है, दरवाजे हमने बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर लीं, तो वो प्रकाश हमारे भीतर नहीं आ सकता। एकाकी चिंतये ये नित्यम विविक्ते हित मात्माने एकाकी चिंतयमानो हि परम श्रेयो अधिगच्छति। मनुष्य को एकांतवास करते हुए आत्मचिंतन करना चाहिए, परम ब्रह्म का सिमरन करना चाहिए। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, सत्पुरुषों की प्राप्ति होती है,
और सदगति की प्राप्ति होती है। और भी आगे सुनिए, किस सत्कर्म से हमको महापुरुषों की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति संभव है, और क्या कार्य न करने से ज्ञानी पुरुष भी पतित हो जाते हैं। अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात् आलस्यादन्न दोषाच्च मृत्युर विप्राण जघांसति। वेद अभ्यास का त्याग कर देने से, प्रतिदिन ज्ञान वचन ना पढ़ने से, सदाचार और शिष्टाचार से रहित हो जाने पर, आलस्य में पड़े रहने पर, समय पर ना जागने पर, करने योग्य कर्मों को टालते रहने पर, दूषित अन्न खाने से, अन्याय से कमाए हुए धन से, वेद को जानने वाला ब्राह्मण भी यानी ज्ञानी पुरुष भी अकाल मृत्यु या पतन को प्राप्त हो जाता है। और जो साधक हैं उनको अपने आहार विहार का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। लशनम ग्रंजनम चैव पलांडुम कवकानी च अभक्ष्याणि द्विजातीनाम मेध्य प्रभवानी च लहसुन शलजम प्याज मशरूम। गंदे स्थानों में पैदा हुए खाद्य पदार्थों के खाने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अधर भी गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। मनुष्य का शरीर जल में स्नान करने से शुद्ध होता है, मन सत्य बोलने से, सत्य में स्थित होने से शुद्ध और पवित्र होता है। जीव आत्मा ब्रह्म विद्या योग अभ्यास परम ब्रह्म का ध्यान आराधना और तप से शुद्धता को प्राप्त होती है, और बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने से पवित्र होती है। सतचिंतन सत्कर्म से सत्पुरुष मिलते हैं, उनके मिलने पर और उनका अनुसरण करने पर परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। न कस्य चिदन्नाध्या देतत्त थान्तरा। भोजन के विषय में महर्षियों का एक और वचन है, प्रातः और सूर्यास्त के बीच में साधकों को, ब्राह्मणों को, योगियों को भोजन नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल और संध्याकाल, सूर्यास्त के पश्चात दो समय ही भोजन करें, बीच में जल आप ले सकते हैं। यानी आहार का संयम हमारे मन और वाणी पर और आत्मा पर अपना प्रभाव डालता है। स जागृत स्वप्नाभ्यामिदं सर्वं चराचरं संजीवयति च अज्रस्त्वं प्रमापयति चाव्ययः। वो अनादि अनश्वर ब्रह्म पुरुष परमात्मा अपनी जागृत और स्वप्न अवस्था द्वारा, सुसुप्त अवस्था द्वारा इस चराचर जगत की उत्पत्ति और विनाश करता रहता है। यानी प्रलय काल उसकी शयन अवस्था मानी जाती है। उसके प्रतीक में हमारे यहाँ दिखाया जाता है कि शेषनाग पर नारायण सो रहे हैं। नारायण यानी परमात्मा, वो एक डायग्राम समझाने के लिए बनाया गया है।
परमात्मा की सुप्त अवस्था प्रलय और जागृत अवस्था ये संसार है। वो जब अव्यक्त रहता है तो कुछ नहीं रहता, केवल ब्रह्म तत्व ही शेष रहता है, और वो जब जागृत होता है तो उसका कहना चाहिए शरीर अस्तित्व इस विश्व के रूप में प्रकट होता है। ये दो रूप परमात्मा के कहे गए हैं, अव्यक्त निराकार रूप और व्यक्त रूप सृष्टि के रूप में। इसको संपूर्ण सृष्टि जो कुछ भी इस संसार में है, चाहे मनुष्य, देवता, वृक्ष, पशु, पक्षी, समुद्र, सूर्य, द्युलोक, ये सब उस परमात्मा का ये भौतिक शरीर हमें समझना चाहिए, और सभी मनुष्यों और प्राणी मात्र की हमें परमात्मा का शरीर समझते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। ये हमारे प्राचीन महर्षियों का कथन है और उनका अनुभव भी है। आचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मनोयो गतिम सर्वस्य तप्सो मूलमाचारम जग्रहु परम। शुद्ध आचरण से ही धर्म में गति होती है। हमारा आचरण शुद्ध है तो हम धर्म का आचरण करेंगे, उसी से धर्म स्थिर रहता है। महर्षियों ने आचरण की पवित्रता को ही समस्त तपों का मूल माना है। ये ही परमधन्यता और मोक्ष का मार्ग है। धर्म मंगलम उत्कृष्टम, धर्म आचरण ही हमारी आत्मा को उच्चता में ले जाता है। अहिंसा संयम तपह, अहिंसा संयम और तप, शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप, ये धर्म का मूल है। धर्म मंगलम उत्कृष्टम अहिंसा संयम तपह देवा अपि तम नमस्यन्ति यस्य धर्मे सदा मनः। कैसी भी हालत हो, कठिन समय हो, विपरीत परिस्थितियां हो, उन सब के रहते हुए जो मनुष्य धर्म का आचरण करता रहता है, अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है, स्वर्ग में विचरण करने वाले देवगण ऐसे दृढ़ संकल्प वाले, शुभ चिंतन वाले, शुभ कर्म वाले मनुष्यों को प्रणाम करते हैं। सामवेद का एक मंत्र है, मंत्र संख्या 1133। इसके ऋषि हैं देवल। ऐसा ऋषि अपने शरीर को ही जिसने परमात्मा का मंदिर देव स्थल बना लिया है। देवता सोम परमात्मा के अमृत रूप का वर्णन इस सामरिचा में है। छंद है गायत्री, स्वर सड़ज स, संगीत का प्रथम स्वर स। ओम अव्यावारे परिप्रियो हरिर्वनेषु सीदते रेवो वनुष्यते मति। जिस तरह से कोई गडरिया अपनी भेड़ों की प्यार से देखभाल करता है, ऐसे ही वो परमात्मा तथा उसके देवदूत जो पृथ्वी पर ऋषि मुनि महर्षि सत्पुरुषों के रूप में आते हैं, वे आत्माओं की निरंतर देखभाल और उनकी संभाल करते रहते हैं। हे परमेश्वर, तू मेरा चरवाहा है, तू मुझे कोई अभाव ना होने देगा, तू जंगल और वन के सभी रास्तों से ठीक ठीक परिचित है, तू मुझे इसमें भटकने ना देगा, मुझे दुख के गड्ढों में ना गिरने देगा, तू मुझे हरी भरी भूमि पर विश्राम कराता है, झील के तट पर ले जाकर मुझे नवजीवन का दान देता है। पैगंबर मूसा हुए, वो बकरियां भेड़ बकरी चुगाते थे। पैगंबर किसको कहा गया है? हमारे यहाँ वेद में प्रज्ञावान पुरुष को प्रगतंबर
देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। प्राज्ञ प्रज्ञा स्थित, जो उस परम ब्रह्म में और परम ब्रह्म के मार्ग में, सत्य मार्ग में अडिग है, अचल है, स्थिर बुद्धि वाला है, प्रज्ञा स्थित है, ऐसे पुरुष को हमारे यहाँ वेद में प्रगतंबर प्रज्ञा ने जिसका वर्णन कर लिया है, मेधातिथि सद्बुद्धि ने, ईश्वरीय बुद्धि ने जिसको अपना अतिथि बना लिया है, ऐसा उसको कहा जाता है। और पाश्चात्य देशों में उस व्यक्ति को, प्रगतंबर को, पैगंबर कहा गया है। बात एक ही है, ऋषि मुनि महर्षि परमात्मा के मित्र। तो पैगंबर मूसा भेड़ और बकरियां चुगाते थे। एक शाम जब वो अपने भेड़ों को लेके लौट रहे थे, तो भेड़ का एक बच्चा एक गड्ढे में गिर गया और वहां से उसको निकला नहीं गया और उनको पता नहीं चला मूसा को कि मेरी एक भेड़ पीछे गिर गई है, और वो चले गए। वहाँ जाके जब भेड़ों के बाड़े में उन्होंने भेड़ों को गिना तो एक कम। अब वो खाना पीना भूल गए, सूर्यास्त हो गया, हाथ में लालटेन उठाई, लैंप, और जिस रास्ते से आए थे उसमें ढूंढना शुरू किया। बहुत देर हो गई, आधी रात हो गई, यहाँ तक कि रात्रि समाप्त हो गई, और वो परेशान इधर उधर यहाँ वहाँ उस भेड़ को ढूंढते रहे। सूर्य उदय हो गया और तब उन्होंने स्पष्ट देखा एक गड्ढे में वो भेड़ गिरी पड़ी है, मे कर रही है। धीरे धीरे वो उस गड्ढे में उतरे, सूखा गड्ढा था, पानी नहीं था, ये अच्छी बात थी। उस भेड़ को उन्होंने देखा कहीं चोट तो नहीं लगी, उस भेड़ को उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। ओहो, रात भर तू अपने परिवार से, दूसरी भेड़ों से बिछड़ के कितने कष्ट में रही, तुझे कितनी तकलीफ हुई होगी, रात्रि में तूने कुछ खाया भी नहीं होगा, ऐसा सोचते सोचते उनकी आंखों में अश्रुधारा बह गई। ईश्वर ने उनके इस करुणामय हृदय को पसंद किया। एक व्यक्ति पशुओं के प्रति इतना करुणाशील है, ये ही मेरा पैगंबर बनने के योग्य है। परमेश्वर ने मूसा पर अपनी करुणा, अपनी कृपा, अपने प्रकाश को बरसाया और संसार के लिए एक महान संदेशवाहक उनको बनाया। तो सुषमा जी, कहने का अर्थ ये है कि हमें तरह तरह के व्यक्ति मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, दुष्ट प्रकृति के भी मिलते हैं। चंदन विश्वव्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे रहते हैं किंतु चंदन अपनी शीतलता को नहीं त्यागता। ये संसार ऐसा लोक है जहां उच्च आत्माएं, मध्यम आत्माएं और निम्न निकृष्ट दुष्ट आत्माएं, सभी प्रकार के प्राणी यहां निवास करते हैं। हमें कभी भी अपनी दृष्टि को निम्नता में नहीं ले जाना चाहिए, हमेशा अपनी सोच, अपने चिंतन को हमें उच्चता में रखना चाहिए। जब परमात्मा ने हमें सतगुरु का संग दिया है तो वो दिव्य आत्माओं को, देवगणों को भी हमारे संगति के लिए हमारे आसपास अवश्य भेजेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और अंत में उस प्रभु परमेश्वर से हमारा मिलन होगा, उसका दर्शन होगा, उसका दिव्य संग, उसका प्रेम, उसके प्रेम का मधु प्याला, शहद का प्याला हम लोगों को प्राप्त होगा, ऐसा
हमें निश्चय और विश्वास रखना चाहिए और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। अब ही हम ये महसूस कर रहे हैं, जब जब हम आराधना करते हैं, जब जब हम उस परम ब्रह्म का सिमरन करते हैं, तो उस परम ब्रह्म का अमृत हमारे ऊपर टपकता है, उसका मधु, उसका मिठास, उसकी सुगंध हमारी आत्मा को सुगंधमय मृदुमान करता है। इक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।